প্রথম বল ওখান থেকে চমৎকার একটা লাইন বলতে পারি বল পড়ে সামান্য রাইজ করেছে ডট বল দিয়ে শুরু করেছে বিজু দেবনাথ দ্বিতীয় বল আবার ওখান থেকে উইকেট রক্ষক উড়ন্ত সবুজ দেখলাম কোনো মতো গতি নেই সবুজ ওই যে দলের জন্য তিনটে রান সেট করেছেন ওখানে অভিলাষ দাস গুপ্তা সেই হোয়াইটের সঙ্গে তো এসছে তৃতীয় খাতে একটি রান चमत्कार अभिज्ञता रही मुहूर्ते बल के विकेटे दुई प्रांते मोचक दी पारें बराबरी समुद्रे दूरे रखार चेष्टा अंजन শট অফ দা মর্নিং বলতে পারি নববর্ষের সেরা শটটা দেখলাম নতুন বছরে নতুন সকালে দর্শকের রাতের ঘুমতে পশ্চিম বলতে পারি কেড়ে নিয়েছে বিশেষ করে বোলার টুমানের ঘুমটা কেড়ে দিচ্ছে অনুমত টাইমিং বিদ্যুতের গতিতে বলে চলে গিয়েছিল ওখানে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে হ্যাপি সরকার বরাবরই বলেছিলাম সরকার আসবে সরকার যাবে जगत सरकार हैपी सरकार सरकार के राज रही है रिवर्स सुशांत को प्रत्यावर्तन करते हैं क्षमता रही है कि कोथाउ ना कोथाउ मानिकपुर मैदान प्रथम मैच से नहीं कि चापे रही है खेलवाल प्रथम दो समाप्ति द्वितीय ओवर हैप्पी सरकार अच्छा शुरुआत किए हैं सच्चान मेहरून बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र पर कोई मौका नहीं यहां पर वाइट बॉल अतिरिक्त खाते में पीली पर एक रन गड्डी में नियंत्रण लाइए नहीं तो नो खाएंगे ये कह रहे हैं अंपायर सर वार्निंग दिया गया है उच्च कोटि का गेंदबाजी बीजू देवनाथ नाखुश है वहां पे तीसरा ओवर कोई मौका नहीं यहां पर लगातार बीज होते हुए चारों खाने चीत सुशांतो पहला ओवर से भी बाउंड्री नहीं एक बार तीसरा ओवर का खेल प्रगति पर नालीकुल सीएमएस चैलेंजर ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय नालीकुल सीएमएस
वही बॉल का संकेत आएगा अतिरिक्त खाते में फिर एक बार एक रन जोड़ा जाएगा स्कोर में होगा बढ़ोतरी स्कोर पहुंचा 18 तक तीसरा ओवर का खेल प्रगति पर लगातार अच्छा गेंदबाजी लगातार आला गेंदबाजी कोई भी कप्पा इस तरह से अगर गेंदबाजी देखेगा खुश जरूर होंगे जिस तरह से गेंदबाजों ने लाइन को इस्तेमाल किया है उपयोग किया है सीधा बल्ला से खेला है और इसीलिए तो कहता हूं आड़ा बल्ला उल्टा बल्ला अगर साथ ना दे तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट पिछला मुकाबला का मैन ऑफ द मैच तो यहां पे डॉट बॉल का संकेत आया वाइट बॉल का संकेत आया है अतीत खाते में एक रन अंजन स्ट्राइक पर कोई मौका नहीं अंजन के पास बैक करना होगा अपने आप को अंजन को फिर एक बार बीजू देवनाथ ये लड़का छोटा है लेकिन वह पटाता है बड़े मुकाबला का धुरंधर है और किसी भी कप्तान का तरकस का सबसे बेहतरीन तीर है ये अंजन देर आए हैं रिवर्स के साथ वापसी की है और कहते हैं ना ये चौका नहीं ये जवाब है ये हर खिलाड़ी का ख्वाब है दुर्गापुर का ये खिलाड़ी अंजन भाई साहब लीजिए चार रन फिर एक बार चलिए फिर एक बार एक करेक्ट शॉट घुटने को टेका है गेंद को कहा है कि आप जाइए तारकेश्वर स्टेशन का जर्नी करके आइए फिर एक यहां पे चार नालीकुल के मैदान से गेंद को भेजा है महादेव का साथ तारकेश्वर तक फिर एक चार रन जाएंगे तो बहुत अच्छा डबल मानी जाएगी तो फिर एक बार भैया दर्शक बनेंगे बिल्डर और बिल्डर बनेंगे दर्शक क्योंकि अंजन का बल्ला बोल रहा है मिलेगा यहां पे चार 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 रात आपको पहले ही बोला था पुरुलिया का ये लाल मिट्टी कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है पहला गेंद पहला चौका सुशांत को करा बाजी पर यस नो क्या सिंगल आएगा मिल जाएगा सिंगल तो पहला दो गेंद से पांच रन एक भैया ये तो तोहफा था रमजान का महीना चल रहा है ईद आने में बहुत देर है लेकिन काजू कटली और ईद का वो खूबसूरत सा तोहफा आज बांटा जा रहा है नालीकुल में फिर एक बार वाइट बॉल 50 के यहाँ पे पार कर चुका है टीम 50 का लेग मार्क को चूक चुका है टीम अंचन ये लीजिए भैया चुलबुल पांडे का सबक ये था नाम इनका अंजन है चौका लगाना जानते हैं और सीटियां भी बजाते हैं अंजन चुलबुल पांडे बिना चार रन नाराज है नाखून से उन्हें पता है कहीं ना कहीं मौका था भैया सन ज्वेलर्स का ये कल था सन ज्वेलर्स का ये आज है चौका लगा के बताया नाली को सीएमएस साहब का बेताज बादशाह हम हैं बिना चार रन फिर एक बार अंचन स्कोर पहुंच चुका है 58 तक सच्चा बहुत ज्यादा महंगा साबित हुए हैं वन सेकेंड अरे अंजन साहब जब जब तूने किया है अपने काबिलियत पे विश्वास हर बार तूने रचा है नया इतिहास तो इतिहास रचा है अंजन ने आखिरी ओवर में क्या गजब का बल्लेबाजी